औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी ज़ात पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको कहता हूँ जी खुश आमदेद। यकीनन जी जुम्मा, और जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मा जो है वो वैसे भी एक लगता है हमें दिनों में से छोटा दिन होता है, और सुबह सुबह हमारा आगाज़ जल्दी से हो जाता है। और मर्द हर रात की तो ज़्यादा कोशिश होती है कि मस्जिद के अंदर नमाज जुम्मा की तरतीब बनाई जाए। बच्चे जो हैं वो तैयार होते हैं कि आज अब्बू के साथ जुम्मे के लिए भी जाना है। मस्जिद में छोटे बच्चे नाथे पढ़ते हुए नज़र आते हैं, और बचपन की कुछ यादें भी जब हम थोड़ा सा जुम्मे को डीपली सोचते हैं तो बहुत सारी याद आ जाती हैं कि जुम्मे में हम ये किया करते थे। बहरहाल पाकिस्तान जी हमेशा जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर रहता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता रहता है। आजकल जो नया हो रहा है आपको यकीनन मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी और सारी है, और वो सिलसिला ये जारी और सारी है कि कहाँ से कहाँ तक ये जा पहुँचा है। तकरीबन 100+ लोग हैं जो PTI को इस टाइम छोड़ चुके हैं, लीडरान छोड़ चुके हैं। कल जी आपको यकीनन मालूम है कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और गिरफ्तारी है वो सदर तरीके इंसाफ जो नए नए बने हैं। पहले तो उनका ताल्लुक यकीनन मुस्लिम लीग काफ से था, और आपको मालूम है कि परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी, यकीनन आप ये जो अंदाज़े गिरफ़्तारी देख रहे हैं ये ठीक है ये गलत है, ये लोग आपने फैसला या आपका फ़ैसला है, लेकिन ये गिरफ़्तारी का अमल कल जो है वो हुआ है। गिलगित जा रहे थे जी टूर वगैरह के लिए, ट्रिप वगैरह के लिए, या फिर सुकून करने के लिए कि चलें थोड़ा PTI की हुकूमत है वहाँ पर सुकून कर लेंगे। बट जो घरों के इर्द गिर्द जो है वो मुहासरा पुलिस की हुई थी वहीं से इनकी गिरफ़्तारी हो गई है। और उस गिरफ़्तारी में जी काफ़ी बताया जा रहा है कि शीशे तोड़े गए, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे थे, और ये जो छुपन छुपाई का खेल था आखिरकार पंजाब पुलिस इसमें ढूंढने में कामयाब हो गई। छोटे होते वो हम सोचते थे ना कि ये छुपन छुपाई का खेल है, बच के कौन निकलेगा, तो यहाँ से बच के निकलते तो यकीनन गिलगित में पाए जाते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ से बच के निकलना। और अब इनको पकड़ा गया है जी, इनके घर के सराउंडिंग ही पकड़ा गया है, इनकी सिस्टर साथ मौजूद थी, साथ एक दो और लोग मौजूद थे इनके ख़ानदान के, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। कल उन्होंने जो है वो एंटी करप्शन में ही जो है उनके हेड ऑफिस में नमाज वगैरह भी अदा की। मोनस सिलाई साहब जी जो इनके साहबजादे हैं लेकिन इस टाइम बैरून मुल्क मौजूद हैं, जिनके ऊपर भी करप्शन के काफ़ी बड़े इल्ज़ाम हैं, उनके हवाले से उन्होंने कुछ ट्वीट किए इस हवाले से कि हम PTI के साथ मौजूद हैं और हमेशा खड़े रहेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, जिस तरह के एक अमल होता है। तो बड़ा जैसे कहते हैं कि करंट अफेयर की सूरत हाल फ़िलहाल तो फटेबाज हुई हुई है। दूसरी तरफ जी थोड़ा सा अगर जो है नीम गर्म की तरफ चलते हैं तो सालगिरह आज किस किस के इस हवाले से हमने ज़रा देखा, तो 37 साल पहले जी दुनिया से जो है वो रुखसत हुए। और मज़े की बात यह है कि ऐसे आर्टिस्ट जिनको देख के दिल खुश हो जाए, नन्ना रफ़ी नन्ना जी एक खूबसूरत अंदाज जी, आज से कुछ अर्सा पहले कोई भी शख्स जो है वो इनकी ड्रामे अगर कोई देखता था जब सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न का दौर था, और अगर ये कहूँ कि चंद लोगों ने जिन्होंने टेलीविज़न को ये समर बख्शा है कि पाकिस्तान टेलीविज़न बना, हमारे ड्रामे पूरी दुनिया में अगर देखे गए उस दौर में तो वो चंद ऐसी जो है पर्सनैलिटीज़ का बड़ा किरदार था। नन्ना अपने खूबसूरत अंदाज़ की वजह से मशहूर थे। नन्ना के अंदर ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी थी कि नन्ना जो थे अंदाज़े बयान जो होता है, उर्दू का तलफ़ुज़ जो होता है, वो कॉमेडी में इस कदर मेरे ख्याल में इस पूरी सेंचुरी में इतना प्यारा किसी का नहीं था जितना नन्ना का था। और इनकी जो ड्रामे हैं उसमें मशहूर ड्रामे वैसे तो बहुत सारे हैं, बट इनके जो डायलॉग मशहूर हुए वो जवानी है नहीं जवानी है, कितने भी धिक्के खानी हैं, 50-50 का ड्रामा किसको याद नहीं था। फिर जैसे एक ड्रामा जो महकमा बहबूद आबादी की तरफ से बनाया गया था, वो मतलब कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो हमें वैसे याद रह जाते हैं, और नन्ना एक ऐसे किरदार हैं कि मेरे ख्याल में जब तक जो है वो कॉमेडी करने वाले या आर्टिस्ट जब तक जो है वो पैदा रहेंगे इनको अपना टीचर मानेंगे सहाएंगे। ये बस हमारे पास ये जिसे कहते हैं ना कि हम अपने आर्टिस्टों की कदर उनकी हयात होते हुए नहीं करते, और यही जो है वो सिलसिला था कि दुनिया से ये जल्दी रुखसत भी हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं जी दो बड़े प्यारे मेहमान, और नायाब तो यकीनन आप लोगों को मालूम है कि हमारे शो में दूसरी तीसरी बार हिस्सा बन गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
का तशरीफ़ लेकर आईं। और यकीनन आज आपके वो जैसे कहते हैं ना कि कोट और कपड़े से साबित हो रहा है कि आपका ताल्लुक जो है वो कचहरी से है, और कचहरी वाले जो हैं आज हमने बुलाए हुए। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। बड़ा मुश्किल नाम वाले भाई ने, नाम का मतलब क्या है पूरे का? मेरा नाम एडवोकेट मुशब्बर है। मुशब्बर का मतलब? मुशब्बर असल में है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। जिस तरह आप हसनैन, हसन और हुसैन को जब मिलाते हैं ना तो वो बन जाता है हसनैन, इसी तरह शब्बीर और शब्बर जब मिलता है ना तो वो मुशब्बर बन जाता है। तो वो एक फारसी। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, डराने वाला? इसका मतलब वो जिस तरह हसनैन का मतलब है ना, हसन और हुसैन को मिल के जब हसनैन बनता है तो मुशब्बर बेसिकली खुशखबरी देने वाला। अच्छा, शब्बीर का मतलब डराने वाला वैसे फिर होगा, मतलब हमने तो यही पढ़ा था। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जिन आर्टिस्ट की बात कर रहा था, इनको देखा, ड्रामे देखे? बिल्कुल देखे, और कुछ कुछ याद भी हैं। कुछ याद भी हैं। कौन सा ऐसा किरदार था? वैसे एक ड्रामा था, मेरा नाम लैलपुरा के पता नहीं कोई एक ड्रामा था जिसके अंदर बैक में बहबूदी आबादी का बताया जाता, तो कमाल का इनका किरदार था। आपको कौन सा किरदार इनका याद है? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन मुझे इनका करेक्टर वैसे याद है कि जो इनकी पर्सनैलिटी थी और जो इनकी कॉमेडी थी ना वो मुझे याद है कि वो बड़ी अच्छी थी और बड़ा मज़ा आता था इनके ड्रामे, इंजॉय करते थे हम देख के। आपने भी देखे इनके ड्रामे, कुछ याद है आपको या नहीं? नहीं जी, ड्रामे बस मैं इतने ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो देखते हम भी नहीं हैं। लेकिन पीटीवी का दौर जो है ना, आज से 15 साल पहले के जो जवान होने वाले बच्चे हैं उनको तो याद रहता है। वो अंगारवादी हो गया, अल्फा ब्रावो चार्ली वगैरह। अल्फा ब्रावो चार्ली में मेरे ख्याल में ये थे। अच्छा जी जी। क्या सोच के वकील बनी, पहले तो ये बताएं मुझे, ज़रूरी था? मतलब और भी बड़े आसान पैशन होते हैं लड़कियों को, तो आसान है कि मेकअप वाली जो है कोई फील्ड ज्वाइन कर ले या कोई गारमेंट्स बुटीक, तो ये थोड़ी सख्त फील्ड नहीं है? एसच सख्त तो है ये, लेकिन बस मेरा थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं कुछ बनूं और जो हमारे कानून है ना हमारे मुल्क में उसको ठीक कर दूं बस। अब होगा या नहीं होगा, लेकिन कोशिश है कि उसको अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर किया जाए। मतलब ये बेसिकली जो आपको लगता है, मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात आप करना चाहती हैं या ओवरऑल मर्दों के लिए भी हकूक इतने ओवरऑल होने चाहिए? ओवरऑल होने चाहिए, वुमेन के लिए भी होने चाहिए, मेंस के लिए भी, हर सिटीजन के लिए होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सारा कुछ। बट डू यू थिंक कि वो हकूक जो हमें मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे? बदकिस्मती से मिल तो इतने नहीं रहे, लेकिन ये कि हर इंडिविजुअली हर किसी को ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर कानून की कानून बनता ही हमारी हिफाजत के लिए, तो अगर हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो इसमें के कानून भी हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। हमारा 128वां नंबर है जी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। जी 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 जी। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगर कानून की बात करें तो हमें तो इशारे से नफरत है, हमें तो पुलिस के थाने से बगैर फ़ोन किए हम इंटर नहीं होते कि पहचान ना कल कर लो, ठीक है, या हम कोई भी कुछ भी है तो MNA, MPA, चेयरमैन, थाने के टाउट शाउट, हमें ज़रूरत होती है बस कि हम कोई अपना तारुफ देंगे तो तभी हम जो है वो कर पाएंगे। तो इसको 128 से 28 और 28 से 8 और 8 से पहले पे कैसे लाया जा सकता? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली चीज़ ये कि रूल ऑफ लॉ जो डिफाइन करता है उसके इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन उसकी डिफिनेशन करता है। तो लॉ इज अबव एवरीवन, हर जो है ना लॉ हर शख्स से अबव है। अब उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन की हमारे यहाँ पे फुकदान बहुत ज़्यादा है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रहा। उसका कॉज क्या है? उसकी बेसिक कॉज लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ये है कि आपकी जो जुडिशल सिस्टम है वो प्रॉपर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा। आपके जो डिफरेंट स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरवीन कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ों में, इसकी वजह से आपकी जुडिशल सिस्टम प्रॉपर तरीके से अपने लाइन में चल नहीं पा रहा। अब कोर्ट जो कोई ऑर्डर करता है उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हो रही है, किस हद तक हो रही है? अब रूल ऑफ लॉ में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जब इसका इंडेक्स बनाते हैं तो वो रूल ऑफ लॉ की ये चीज़ें देखती हैं कि क्रिमिनल में कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, आपकी पुलिस जो है ना आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लॉ को प्रॉपरली इन्फोर्स कर रहा है नहीं कर रहा, आपकी कोर्ट प्रॉपर सिविल कोर्ट या
आपकी जो क्रिमिनल कोर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, वो प्रॉपर आपको जो है इन्फोर्समेंट उसकी प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारे इंडेक्स बना के एक रेट बनाई जाती है, जिस पे बदकिस्मती से जो 2022 का इंडेक्स है उसमें हम 128 पे है। 128 पे होने का वजह यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव एक अलग डिपार्टमेंट है, जुडिशरी अलग डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेशन अलग डिपार्टमेंट है, और डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं स्टेट के, वो विद इन अपने डोमेन में अगर काम करना स्टार्ट करें और जुडिशरी को प्रॉपर इन्फोर्समेंट के लिए उसको प्रॉपरली इंडिपेंडेंट करें। आपको लगता नहीं तो फिर मेरे अगर फील्ड है, मैं जर्नलिस्ट के तौर पर यहाँ पर बैठा हूँ, तो मेरा हक है यहाँ पे कुछ चीज़ों पे कि मैं अपनी आवाज़ खुद बनूँ, मेरे अंदर अगर कोई मसला है तो मैं हल करूँ, मैं अपने कुछ दोस्तों को कैसे साथ लेके चलूँ। तो ये कहते हैं ना कि हर इदारा मेरे इदारे को इतना मजबूत होना चाहिए ना, मेरी मीडिया फील्ड को इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी इदारा मेरे ऊपर हुक्म चलाते हुए परेशान हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर रोज़ न्यूज़ की बात करूँ तो वी आर टोटली अ न्यूट्रल चैनल, और जेन्युइन किस्म का न्यूट्रल चैनल। आप बैठ के देखें स्क्रीन के सामने, हमारा काम है खबर पहुँचाना, ना कि हमारा काम है पार्टी बनना। तो हम पार्टी बनना पसंद नहीं करते, और ये सरदार खान नियाजी साहब की स्टार्ट से ही काविश है कि हम इंडिपेंडेंटली एक चैनल हैं, और चैनल का मकसद होता है खबर पहुँचाना और हक और सच की बात करना, और हक और सच के साथ कुरान हदीस और करीम आका की सुन्नतों के मुताबिक बात करना। क्योंकि हम जितने लिबरल हो जाएं, हम इस्लामी एक माशरे से ताल्लुक रखते हैं। फरमाइएगा कि क्या जुडिशरी के अंदर बैठे हुए लोगों का ये हक नहीं बनता था कि वो जो काजी का किरदार है, जो हजरत अली ने भी इस मसनत पे बैठ के निभाया, जो हजरत उमर फारूक ने भी, हजरत उस्मान गनी ने भी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और बाकी जितने भी हमारे एक रोल मॉडल आए, आपको लगता नहीं ये किरदार उनको भी निभाना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, जुडिशरी में भी आपके फॉल्ट है, ये नहीं कि आपकी जुडिशरी जो है ना प्रॉपर साफ है या वो चीज़ें, उसमें भी आपके बहुत सारे लेकुनास आपके जुडिशरी में भी मौजूद है, हर इदारे में मौजूद है। अब एक बात, जब आप लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो रूल ऑफ लॉ की जब बात आप करते हैं, तो सबसे पहले जो है शुरू में, जब जो चीज़ आई शुरू में, जहाँ पे पहले आप कहते थे मैन इज़ ए लॉ, जब कोई राजा होता था महाराजा वही लॉ होता था, वो इम्प्लीमेंट कर, आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी इवॉल्व होता गया, चलता गया, रूल ऑफ लॉ की बात ही हो गई, फिर लॉ हाकिम होंगे सबके ऊपर। अब आप जो प्रॉपरली अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपकी जुडिशरी है, जुडिशल सिस्टम है, उस जुडिशल सिस्टम में थोड़ी सी हमें उसमें रिवॉल्यूशन लानी पड़ेगी, और उस जुडिशल सिस्टम को प्रॉपरली इंडिपेंडेंट कर देना पड़ेगा, किसी भी स्टेट के दूसरे सब्जेक्ट उस पर इन्वॉल्व नहीं करें, और अपनी भी अकाउंटेबिलिटी, जुडिशल अपनी सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी भी प्रॉपर तरीके से होंगी। जिस तरह आपने देखा है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो सिविलाइज्ड नेशन है, उनकी ब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। अब एक दो तरीके से आप जो है ना लॉ को इम्प्लीमेंट करते, बाई फोर्स और बाई एजुकेशन। बाई फोर्स इस्लाम भी हुदूद लाश है, जो बाई फोर्स कुछ जगहों पे है आप बाई फोर्स इंप्लीमेंट करते, कुछ जगहों पे बाई एजुकेशनल आप उसकी डेवलपमेंट करती है। जिस तरह से एक एक कौम बनाया जाता है, जिस तरह आप यूके, यूएसए, डेनमार्क वगैरह चाहे, जहाँ पे क्रिमिनल रेशो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि वो कौम सिविलाइज्ड है, वो जानते हैं कि मैं इशारे पे पहुंचूंगा, मैंने यहाँ पे मेरा हक क्या और मुझ पे हक क्या है। जी जी, अच्छा नायब, अगर हम ये बात करें कि वकील का भी बड़ा हक बनता है, किरदार बनता है, चलो ठीक है, माना उसकी फीस है, लेकिन माना उसने पैसे लेने हैं, उसकी रोज़ी है, बट ये लगता नहीं है कि ये भी हलाल और हराम के ज़ुमरे में आएगा कि एक झूठे शख्स की वकालत करना और स्टे के ऑर्डर लेकर आना, केसेस को लंबा करना, हकायक को मालूम होते हुए, जैसे कि हमें 90% आप लोगों को समझ आ जाती है डे फर्स्ट में, और बाज़ दफ़ा तो अच्छे मुजरिम बता भी देते हैं, वो कहते हैं ना कि वकील से और डॉक्टर से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो आप लोगों को कुछ लोग बता भी देते हैं कि दैट इज़ माय प्रॉब्लम और ये मैंने किया है, उनको फिर आप सजा देने के लिए आप क्यों नहीं कदम बढ़ाते? वकील का भी तो किरदार था ना। बिल्कुल होना चाहिए, वकील का ही तो मेन करैक्टर होता है बीच में। लेकिन ये होता है कि हर इंसान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है और अपने अपने उससे चलता है, लेकिन
मेरा ये ख्याल है कि हर वकील अगर अच्छे तरीके से लॉयल होके ऑनेस्ट होके चलेगा तो जाहिर है कि ये हमारा पेशा भी बहुत अच्छा जाना जाएगा और इससे सारी चीज़ें ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम लोग ही इस चीज़ को सही ले तरीके से ना लेके चलें और हम झूठ का ही साथ देते रहेंगे तो फिर जाहिर है हमारा प्रोफेशन भी अच्छा समझा नहीं जाएगा और हम अपने मुल्क में भी अच्छा करेक्टर अदा नहीं कर सकते। तो होना ज़रूरी है, एजुकेट की ज़रूरत है वकीलों को कि उनको पढ़ाया जाए कि या पढ़ाया भी शायद जाता हो कि तुमने हक की सरबुलंदी के लिए काम करना है। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस शायद वो काम अपना ना कर पाए, वकील काम ना, जज काम ना कर पाए जो वकील कर पाता है। डू यू थिंक कि हमारा माशरा है ही नेगेटिव, हमारा माशरा ऐसे किरदारों पे मबनी है कि जो बातों को खींचना जाते हैं, जो बात को लंबा करना जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मेन हमारी जो सोसाइटी है ना वही तो ठीक नहीं है। वही हर सिटीज़न का ये हक है, हर सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि वो सही तरीके से हर चीज़ को लेके चले। तो जब सोसाइटी ही हमारी गलत है, नेगेटिव है, तो फिर हर चीज़ पीछे ही रह जाती है। What is the solution of this? In हम इस पॉजिटिव कर दें सोसाइटी को, इस नेगेटिव सोसाइटी को हम निकाल के लें, दो से तीन चीज़ें क्या हैं जो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दें? एजुकेशन एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। पहली चीज़ तो जी मैडम नायब ने फरमाया एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन एजुकेशन तो हम अपने बच्चों को देंगे ना। जैसे कि हम पक्के जो हो चुके हैं करप्ट दो नंबर, हम माफिया जो बन चुके हैं, हमारे ये है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के बाद हम इमाम मस्जिद के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं कि इन्होंने जल्दी नमाज पढ़ा दी। हम बैठ के किसी भी के अंदर हम कोशिश करते हैं, एक किराना जो ना स्टोर वाला है उसको भी जाके हम लेक्चर देते हैं कि भाई तेरी चीनी वहाँ से नहीं वहाँ पड़ी होनी चाहिए थी। खुद हर कोई अपने आप को अकले कुल समझना शुरू हो गया और अगले को बेवकूफ़ समझना शुरू हो गया। इसकी वजह बता के हम बताएं इसको निकले कैसे इससे? इससे निकलने के लिए वही जो मैंने आपसे शुरू में फताया, एक है लॉ बाई एजुकेशन, लॉ बाई फोर्स। अब माशरा हमारा काफ़ी हद तक आपको पता है माशरा बहुत बिगड़ चुका है, जिसकी अब सिचुएशन मुल्क का सिचुएशन अभी आपके सामने है। इससे हमें निकलने के लिए हमें बाई फोर्स इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बाई फोर्स लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारी पुलिस, हमारी जुडिशरी और हमारी बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको जो है स्ट्रिक्टली वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम आपकी दो चीज़ों में होना बहुत लाजमी है। बेसिकली आपकी पुलिस में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कि आपकी जो पुलिस स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में पुलिस जो है ना चार इदारों या पांच इदारों के बैक वक्त अंडर आ रहा होता है। जुडिशरी भी फोर्स कर रही होती है, गवर्नमेंट भी फोर्स कर रही होती है। अब पुलिस डिपार्टमेंट दोनों तरफ से सैंडविच बन रही है कि अब इनका माने या इनका माने, तो प्रॉपरली एक जो है ना सिस्टम को एक प्रॉपरली उसमें ला के पुलिस सिस्टम को बिल्कुल ठीक करके पुलिस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसको बेसिक करके हर तरफ अच्छा आप इन्फोर्समेंट कर सकते हैं कि हम सारे फजूल के रस्तू बनते हैं, किरदार के हमारे भी वजीब से हैं। हम इसकी तो ये जो मुनाफ़कत का ये अमल है कि हर शख्स अपने मुंह से किरदार का तो गाजी बनता है, लेकिन जो बातें हैं हमारी जिसे कहते हैं ना शुजात पे हैं, बहादुरी पे हैं, दिलेराना है, और किरदार हमारे घटिया तरीन है, इसको कैसे बदलें? इसको ये सबसे जो मेन है वो वही आप वाली बात है कि मुनाफ़कत। जब तक इंसान के अंदर से मुनाफ़कत नहीं जाएगी वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई रिश्ते हैं, चाहे वो कुछ हमारे मुल्क का कानून है। जब हम मुनाफ़कत से हटेंगे तो हम मुंह पे कुछ होते हैं और बीच में से हम कुछ होते हैं। इस चीज़ को दूर करना, वो ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमें जो है ना मुनाफ़कत से नहीं चलना, ये सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है कि जो लोग मुनाफिक हैं उनसे तो आप जो है ना जितना दूर रह सकें उतना है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आपका इनर साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, आपकी अच्छी तरबियत होना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। जो शुरू से बचपन से आप देखते आ रहे हैं उस चीज़ को ही आप फॉलो करते हैं। तो ये कि इस चीज़ को दूर करने के लिए जो है अपने आप को अंदर से साफ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आपकी बेटी हैं और या छोटे बच्चे हैं जी, उनको हम कैसे समझाएं नायाब, उनकी तरबियत में हम क्या चीज़ लेकर आएँ? क्योंकि टॉम एंड जेरी हम उनको दिखा के बड़ा करते हैं, अजीब शरारतें हैं उसके अंदर, और बच्चे की कोशिश होती है क्योंकि वो चंद दिनों बाद डब्बे शब्बे उलट रहा होता है और इसलिए वो उसने गर्म करके कहीं लगाई होती है,
क्या फॉलो अप करना है एक माँ को कि उसका बेटा जो है वो या बेटी जो है बड़े होते किरदार उसका अच्छा हो जाए। हम अक्सर व बेशतर मिसाल देते हैं इस्लाम की, तो शेख सादी रहमतुल्लाह, बल्कि मैं यहाँ पे छोटा वाक्य नहीं सुनूंगा, मैं मिसाल दूंगा कि शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह 11वीं वाले जिनको हम पीर कहते हैं, जी तो वो जो है वो जब गए पहले दिन तो उन्होंने 13 सिपारे सुना दिए। तो अच्छा उनसे पूछा गया कि पहला दिन है तुम 4 साल के हो, 13 पारे कैसे सुना दिए? फरमाया जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, मैं पेट में था, तो मेरी माँ जो है ये तलावत किया करती थी, क्योंकि माँ को भी 13 पारे याद थे और बेटा पेट में था। लेकिन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है। हम तो समझते कंसेप्ट हैं नहीं कि है। बेटे ने ABC बोल दिया, बेटे ने पैटर्न लॉक खोल दिया, बेटा मेरा बहुत तेज है जी, उसका मोबाइल का बहुत पता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये डू यू थिंक कि ये हमारे ऊपर, ये माशरे के ऊपर भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती है, या हम किस जिसे कहते हैं कि दुनिया में रहते हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। और अगर आप बात करें कि बच्चों की तरबियत की, और इसमें ये कि हमें हर चीज़ पे जो है वो फोकस करना चाहिए, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं उनकी अच्छी बुरी चीज़ों पे। आजकल ये क्या कहा जाता है, बहुत सारी मदर्स हैं कहती हैं कि नहीं, ज़्यादा रोकें नहीं, ज़्यादा टोकें नहीं, बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं ये। हालांकि बच्चे एग्रेसिव दूसरी चीज़ों से होते हैं। तो मेरे ख्याल में आप बात बात पे बच्चे को समझाएं, बच्चे को रोकें, बच्चे को टोकें, तो तब जाके बच्चे की एक अच्छी तरबियत होती है। अच्छा, अग्रेसिव की बात है तो मेरे और आपके वालदैन ने हमारे साथ क्या किया? हम अगर सोचें ना तो अग्रेसिव तो हमें होना चाहिए था। जहाँ उनका दिल किया उन्होंने मारा, जहाँ उनका दिल किया था उन्होंने टोक दिया, जहाँ उनका दिल था उन्होंने हमें जो है वो किया। मतलब ये पता नहीं कौन सा माशरा है जिसको हम अब तश्कील दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से नाज़िम का मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि न्यूज़ का टाइम है, तो जानूंगा मेहमानों से कि हम बनते क्या जा रहे हैं। हम थोड़ा सा यूरोप को कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा सा बतौर मुसलमान अपना किरदार अदा कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इंडिया के ड्रामे हमने उठा लिए हैं। तो 3-4 सकाफतें जब हमने मिक्स कर दी हैं तो बेसिकली नज़र सामने क्या आ रहा है, ये लिबरल है, ये मजहबी है, या कोई अजीब सी शक्ल नज़र आ रही है। छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, कहीं मज़ा आइएगा जी। खुश आमदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर आपको, और सिलसिला जारी हो सारी है। एक मरतबा फिर वीकेंड सवेरा का मैसेज क्या देंगे जी खवातीन जो आपको देख रही हैं, कि वो किस तरह इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि कोर्ट कचहरी से डर ना लगे। हम जो जिस कहते हैं ना फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑन द लिमिटेशन। 2011 से पहले हमारा जो ख़ानदानी सिस्टम था वो बड़ा अच्छा था, हर चीज़ अच्छी जा रही हो सारी थी, डिवोर्स रेशो कम थी, बहुत सारा कुछ अच्छा था। अब हर चीज़ बढ़ती जा रही है, जो ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है, तो जो फैमिली सिस्टम जो हमारी ताकत है, पाकिस्तान की ताकत है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा खानदान, पाकिस्तान की ताकत है, हम यूनाइटेड हैं। इस बारे में फरमाइएगा कि वो एक अपनी लिमिटेशंस में रह के कैसे किरदार अदा करें। मैं यही बात करूँगी कि अवेयरनेस हर चीज़ की होना ज़रूरी है, और जो कानून है उसमें उसकी अवेयरनेस तो मस्ट है, क्योंकि जब स्पेशली हमारी जो सोसाइटी की लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए कोर्ट कचहरी आना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है, उनको आना चाहिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं तो फिर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपके लिए वो चीज़ है। डू यू थिंक कि मर्द की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि उसकी बीवी बंदी व्हाटएवर एक्स उस कोर्ट कचहरी जाए, हालांकि उसके बाद कहता है कि अब मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि इसने ये कर दिया। बस वो ये ईगो है ना, ईगो तो खत्म होगी तो सब कुछ सही होगा। अच्छा, ईगो के अलावा आपको लगता नहीं है कि कुछ चीजें घरों में हल हो सकते हैं? माँ बाप वालदैन चले, अगर किसी के अल्लाह ना करे ये नेमतें किसी के पास नहीं है तो हम मोहल्ले के बड़े के पास जा सकते हैं, या जॉइंट फ्रेंड भी होते हैं हमारे, आपको लगता है कि फौरन वकील कर लेना चाहिए? हो सकता है, और पहले आपको पता है होता रहा है, लेकिन अब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लोग अब ना तो लोगों के पास इतना टाइम है कि आप लोगों के मसले डिस्कस करें, और ना ही लोगों में वो चीज़ रही है अपनाइत के वो बैठ के जिरगा बिठाएं और आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इसके लिए ये है कि बस होना यही चाहिए कि घर की बात घर में रहे, नहीं रहती तो फिर कोर्ट कचहरी इसीलिए बने हैं कि आप आए अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश करें, तो कोई हर्ज नहीं है। मर्द की ईगो हर्ट क्यों होती है अगर औरत आ जाए? बतौर मर्द बताइएगा, वकील ना बताइएगा। ये एक सेंटिमेंट चला आ रहा है कि मर्द की ये होना नहीं चाहिए, लेकिन एज ए
मर्द आप भी है, मैं भी हूँ, तो इसमें ये एक नेचुरल एक वो है कि मर्द भाई जान ऐसा डर रहे हैं अपने जवाब आप देते हुए, है ना। मर्द अपने मैं आप आपको को। कहती हूँ कि हमें इस्लाम की अगर सही रूह मालूम हो जाए तो मर्द को लीड के लिए पैदा किया गया। मर्द को कहा गया कि यू आर अ लीडर, उसको इम्पोज किया गया, मजाजी खुदा उसे कहा गया। एग्जैक्टली तो औरत अगर अपनी ईगो की कुर्बानी थोड़ी ज़्यादा दे दे तो इसमें कोई तकलीफ हिज्जत की नहीं है, अगर उसकी ये कुर्बानी देने से घर बच जाता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, क्योंकि जो है अगर किस आपकी ईगो की वजह से आपका घर बस रहा है और आपके मामलात अच्छे जा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं तो इस चीज़ को कहती हूँ कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहिए और होनी तो इक्वलिटी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इक्वलिटी तो नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना वो कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसी तरह अगर औरत और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी तो अच्छा, और तीन ज़्यादा तीन अच्छा चीज़ें, होगा। तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, फरमाइएगा। नंबर वन चीज़ जिसको हम सोचते हैं कि लड़ाइयों की वजह बनती है, पहले मैं वकीलों से पूछता था, अब मुझे खुद पता है, सबसे मेन रीज़न होती है कि ये दूसरी शादी करना चाहता है। एक औरत क्यों इजाज़त नहीं दे सकती दूसरी शादी की? दूसरी शादी की इजाज़त, बहुत सारे मसले होते हैं। एक तो ये होता है कि इंसाफ नहीं। औरत शेयर नहीं करना चाहती, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि भाई हम अगर सन्सियर हैं तो हमारा हस्बैंड भी सन्सियर होना चाहिए। तो लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई वजह है, क्योंकि रीजंस होती हैं हर चीज़ की, तो अगर कोई रीज़न है तो फिर जाहिर है अगर हमारा इस्लाम इजाज़त दे रहा है तो फिर इट्स मीन कि इसमें कोई वजह है। छोटा सा सवाल फिर मैंने, क्योंकि अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना है, क्या वजह होती है कि मर्द दूसरी शादी की तरफ जाता है? ये आपको इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप चार शादियां कर सकते हैं। अब मर्द कंजुगल राइट्स होते हैं, मर्द के कुछ राइट्स, इज्दिवाजी हुकूक और दूसरे कुछ कंजुगल राइट्स होते हैं। जब वो प्रॉपर पूरे नहीं होते हैं तो मर्द को फिर दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ जाता है, ये तो एक नेचुरल इफेक्ट है ये भी होने होता है का। कि बुढ़ापे की एज में वो कहते हैं डिंगियां लता पुलस मुकाबले, ये मर्दों को आजकल बुढ़ापे की एज में बड़ी मोहब्बत हो जाती है, इसकी क्या वजह है? और हो भी और जवान सबसे जान, खतरनाक और जो ने वो लिए बड़े है कमाल की बात लिखते हैं कि बुढ़ापे का खूबसूरत प्यार। देखने वाली औरत, नज़र आने वाली औरत और मर्द जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, इन दोनों को बड़ी जल्दी मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी जो है वजह मर्दों का भी करेक्टर लेस होना है ना, हल्का फुल्का, हाँ थोड़ा सा है, ये और मतलब सिंसियर नहीं रहे ना रिलेशंस के साथ। सनसेट नहीं रहे, फिर जो औरत है वो भी फिर लालची हो गई अब इस हाँ, चीज़ पे, दोनों की तरफ दोनों से की तरफ आग से। दोनों तरफ लगी है। हाँ थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो आप मच दोनों जी। तशरीफ़ लाए। और नजीम का कहते हैं ना फिटनेस बड़ी ज़रूरी है जी आजकल सब के लिए, और फिटनेस के लिए हम बड़ी भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हम जिम में जाके एक बात सिर्फ करते हैं और वो बात ये होती है कि मैं जिम करने तो आया हूँ या आई हूँ, बस कोशिश करें ये जो मेरा पेट है ना इसको किसी जरिए अंदर कर दें। और हम पता नहीं क्यों खाते रहते हैं और कितना खाते रहते हैं। अक्सर बेचारे, अगर फुटेज हमारे साथ चल जाएं जी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो है वो मुख्तलिफ और चीज़ें हम इसी तरह की करते रहते हैं जिसमें बड़ी सारी जिसे कहते हैं प्रॉब्लम होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। रात को देर से खाना जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फैट का बायस बनता है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फैटी जिस्म की वजह बनती है, लोग सिक्स पैक भी बनना चाह रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़िटनेस हमें जो है वो क्यों चाहिए होती है, और फिटनेस के मामलात जो हैं हमें किस कदर एक इंसान फिट हो सकता है, क्या जिस्म का प्रॉपर बना होना ही फिटनेस की निशानी है या इसके अलावा भी कुछ फिटनेस की निशानियां हैं। हमें ज्वाइन किया है जी हमारे मेहमान ने, अनीसा सोया साहिबा ने, आप न्यूट्रिशन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ जी हमारे साथ अक्सर उबेश सर आप मौजूद होती हैं, सबा गो साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, और आप इसी तरह सोशल वर्क जिस तरह कर रही हैं आप करती रहें, आज कुछ उस हवाले से भी आपके गपशप होनी है। अनीशा अगेन थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। दो चीज़ें ना हमारे जेन में दिल दिमाग में पकी रहती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के हमें बस फिटनेस से इतना ताल्लुक़ रखना है कि पेट अंदर हो जाए और बस हम दिखें अच्छा, तो बाकी हमें फ़िट होना जैसे कि एक मेक ओवर कर लिया जाता है और कहा जाता है कि बस ये कर लो तो बस ठीक है। हमें प्रॉपर फिटनेस की हम तरफ क्यों नहीं आते कि हम 12-13 घंटे काम कर सकें, हम जो सीढ़ियाँ पहाड़ कुछ भी चढ़ना है हमें सांस ना फूले, इस तरफ हम क्यों नहीं आते? मुझे लगता है रियलाइजेशन नहीं है कि लोग प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने हेल्थ को, हाँ। क्योंकि जब
अब फिटनेस का ख्याल रखने की उम्र कौन सी होती है? 20 से लेके अमूमन जो टीनेज यंग एडल्ट लाइफ होती है टिल 35, 40, 45, उसके बाद आपने जो सीड बोया होता है आप उसका वो फिर हार्वेस्ट करना शुरू करते हो कि रिजल्ट आना शुरू होते हैं. तो वो जो एज होती है प्राइम टाइम जो होता है ज़िंदगी का, उस टाइम पे तो अल्लाह ताला ने वैसे ही इंसान को इतनी ताकत दी होती है और उसको कोई मसले नहीं होते अमूमन, जोड़ों में दर्द वगैरह ये चीज़ें तो बाद में होती हैं. तो वो क्योंकि हमें दर्द होता नहीं है या ज़रूरत महसूस नहीं होती या कोई ऐसा कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में कि पता चले था नहीं फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है. ज़रूरी तो नहीं है कि आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो उसके बाद ही अपना ख्याल रखना शुरू करें. या फिर डू यू थिंक कि 17-18 साल की भी बच्चे आजकल फिटनेस की तरफ जाते हैं, लेकिन 20-22 आप 40 तक कह रही है कि हमें एक मिल जाता है टाइम, लेकिन मुझे लगता है 40 तक नहीं होता, ये 20-22 के बाद 21 के बाद 25 के राउंड अबाउट आजकल लड़के जो हैं डायबिटीज़ पेशेंट, बीपी, शुगर, मतलब बहुत सारी बीमारी अल्लाह ना करे जो आज से पहले की जनरेशन में नहीं पाई जाती थी लेकिन आजकल पाई जाती हैं, इसकी फिर क्या वजह होगी? मैं आपको इसका डिटेल में जवाब देती हूँ. पहले तो मैं ये बताऊँ कि आपको पता है एवरी वन इन फोर पीपल इन पाकिस्तान इज़ डायबिटिक, और जो दुनिया में तमाम मुल्क हैं उनमें जो शरह है डायबिटीज़ के बढ़ने की उसमें सबसे टॉप पे पाकिस्तान है. अब अगर हर 4 लोगों में से एक बंदा डायबिटिक है तो इसका मतलब है कि एक ख़ानदान में मस्ट है कि कोई एक ना एक बंदे को डायबिटीज़ है. और अब तो ये फैमिली डिजीज़ बन चुकी है पाकिस्तानियों की. इसका मतलब है कि अगर किसी टीनेजर को, मतलब 15-16-17 साल के बच्चे को डायबिटीज़ नहीं भी है तो उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है, उसको ऐन मुमकिन है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है. तो यही वजह है कि उनको एक तो ख्याल रखना चाहिए और दूसरा एक कंडीशन होती है प्री डायबिटीज़. हम लोग इतना ख्याल नहीं रखते प्री डायबिटीज़ का, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको पता नहीं चलता, कोई वार्निंग साइंस नहीं होते. जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर का मर्ज़ हो जाता है, तब तो पता चल जाता है. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है आपको, रात को उठ के आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या आपके शुगर के बहुत स्पाइक्स आते हैं, एकदम हाई होती है एकदम लो होती है. तो वो जो इतना डिसेप्शन होती है रेगुलर उसमें लाइफ में, तो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो डायग्नोस हो जाती है. लेकिन प्री डायबिटीज़ का सबसे बड़ा नुकसान ये है, आपको हो जाती है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो उस रेंज में पहुंच जाता है, लेकिन कोई वार्निंग साइंस नहीं होते, कोई मतलब खबरदार करने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती. सर पेन है या ये कुछ उसके सिम्टम तभी होंगे जब वो हो जाए मुकम्मल तौर पर हो जाए. सर क्या चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करें हम अपनी लाइफ के अंदर? जल्दी सोना है, खाना पीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फास्ट फूड की शौकीन है हम सारे, पिज़्ज़ा और हमें चाहिए, हमें पास्ता चाहिए, पास्ते के अलावा भी जो ओवन है उसके अंदर हम कभी सालन गर्म करके खा रहे हैं और वो प्लास्टिक नुमा चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, हम जिसे कहते हैं ना कि ओरिजिनलिटी की तरफ बहुत कम है. तो फरमाइएगा इस हवाले से क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम वो पुरानी रस्म और रवाज कायम करें तब हम बच सकते हैं, या आज इन चीज़ों के साथ चल के इनको खा पी के भी कुछ ऐसा अमल है जिससे एटलीस्ट डायबिटीज़ से बचा जा सकता है? अच्छा, डायबिटीज़ से बचना जो है ना वो आपका मुकम्मल तौर पे एक चॉइस पे बेस्ड चीज़ होती है. आपके सामने खाना वही रहता है एक ऐसे बंदे के लिए जो हेल्दी है, जो तमाम जिसको मैक्सिमम बीमारियां नहीं हुई हुई, और खाना उसके लिए भी वही है जिसको बीमारियां हुई हुई हैं. फ़र्क कहाँ पे आता है कि दोनों के चॉइसेस में फ़र्क आता है. तो वो जो आपने इरादा करना है ना कि अब आपने ये खाना है और अब आपने ये नहीं खाना, वो आपके हाथ में होता है. तो एक तो इसमें ये चीज़ होती है कि आप ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि वो वक्त मतलब मुसलसल आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. ये जो एडिक्शन है अनीसा, ये बड़ा, ये कहते हैं ना आग का दरिया है, डूब के जाना है. आपको हुई अगर हो जिंदगी में, आपको वैसे एडिक्शन है किसी चीज़ की खाने की? मुझे शुगर से होती थी, मतलब मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन फिर मेरे सामने एक रिसर्च आई जो मैं अक्सर बता भी चुकी हूँ. आपको पता है शुगर इज़ लिटरली पॉइजन, और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब बंदा चीनी खाता है या कोई रिफाइंड कार्ब खाता है, रिफाइंड कार्ब से मेरी मुराद है मैदा या मैदे वाली कोई भी चीज़, मतलब बेकरी की प्रोडक्ट्स, पैकेज प्रोडक्ट्स उसमें सारी आ जाती हैं. वो जब हम खाते हैं तो हमारे एक ना एनर्जी का ना एक बर्स्ट मिलता है, एकदम ढेर सारी एनर्जी हमारे जिस्म में आती है. और अक्सर वैसे मैं नाज़रीन की आसानी के लिए बताता चलूं कि आप लोग खा रहे हो तो मलाई की कुछ चीज़ खा रहे हो या कुछ इस तरह की खा रहे हो या बेकरी की खा रहे हो तो आपको हल्का सा पसीना भी आना शुरू हो जाता है, जैसे शुगर का हलवा जो लोग खाते खाते पसीना शुरू हो जाते हैं. तो अनीसा उस तरफ आपका रुझान जो है वो दिला रही हैं जी. तो वो एनर्जी का जो एकदम रश होता है, जो एकदम हमें जो ढेर सारी एनर्जी मिलती है उस टाइम पर, हमें बड़ी खुशी होती है ना पिज़्ज़ा या बर्गर या ऐसा कोई चीज़ खा के, एकदम से वो जो खाने के 10-15 मिनट के बाद की खुशी होती है ना कि बड़े मज़े का खाना खाया, बहुत पार्टी हुई है आज, वो
बिल्कुल वक्त ही होता है. होता क्या है कि आपके ये जो चीनी और ये मैदा वगैरह ये डायरेक्टली जाके आपके डोपामीन रिलीज करता है. डोपामीन हमारे जिस्म में एक केमिकल होता है, हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और वो दरअसल उसकी अल्लाह ताला ने एक तरह से जिम्मेदारी लगाई हुई है डोपामीन की कि वो आपको रिवॉर्ड देता है. उसकी ये फंक्शन होता है, मतलब आपको खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है. और यही लिंक बॉडी ये समझती है कि आपने ये चीज़ खाई है और आपको खुशी मिली है. जिस्म इन दोनों चीज़ों को लिंक करता है. अब जब कोई बंदा ड्रग का एडिक्ट होता है, कोई नशे का आदि होता है, उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है. वो इंसान नशा करता है, वही केमिकल रिलीज होता है जो चीनी वाली चीज़ खाने से होता है, और नतीजतन वही खुशी मिलती है उसको. वो बंदा कहता है कि यार मैं नशे में हूँ, मैंने चरस पिया तो अब मुझे सुकून है, मेरे साथ का दर्द वगैरह वगैरह, कुछ सोचे अजीब सी आना और वगैरह, उसके साथ इस तरह की एडिक्शन होती है. तो वो ये जो एडिक्शन है ना, ये चाहे किसी मतलब कोई और चीज़ की हो, चाहे आपको शुगर की क्रेविंग हो या आपको किसी ड्रग की एडिक्शन हो, मैकेनिज्म सेम होता है. और ये इतनी खतरनाक बात है क्योंकि हम समझते हैं कि मतलब हलाल हराम की चीज आ जाती है ना, हमें लगता है ये तो खाना है, ये तो मतलब इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जैक्टली, तो वो अब खा जाते हैं. लेकिन ये हमें अंदाजा नहीं होता कि कितनी नुकसानदेह चीज है ये. तो एक तो चीनी को ना, सफेद चीनी को खासतौर पर, और मैदे वाली चीजों को, उसको अपने जिंदगी में कम से कम करें, और वेजिटेबल्स को इंक्रीज करें. और जो एक चीज होती थी ना कि आप देसी चीज ऑर्गेनिक फूड खाते थे, मतलब आपको गोश्त भी चाहिए तो सुपरमार्केट से जाके लेना लोग प्रेफर करते हैं, चलो ठीक है उसमें पैकेज हाइजीनिक होता है और वह सारा कुछ. बातों से एक चीज याद आती है कि हम इतने करप्ट हो गए हैं कि हमें ओरिजिनल गोश्त तब मिलता है जैसे घर में कोई भाई है बड़ा या वाले साहब है, तो वो कहते हैं कि फलां बंदे को जाके ये पैसे देना और उसे मेरा बताना ताकि तुम्हें वो गोश्त अच्छा दे. तो आजकल बात यह है कि गोश्त भी हमें अच्छा नहीं मिलता, हर चीज़ ही अब ओरिजिनलिटी की तरफ तो हम तब आए ना, तो हमें तो पता नहीं है कि अभी बाहर मुल्क मेरा पाकिस्तान है जिसके अंदर ये भी मशहूर हुआ कि लाहौर से गधे बिकते हैं. और आज से कुछ चार दिन पहले गधे की एक वीडियो वायरल हुई कि दो लोग जो हैं वो खेतों के अंदर गधा ज़बह कर रहे थे और यकीनन वो बेचने के लिए कर रहे थे. तो ये बड़ा कहीं टॉपिक और तरफ चला जाएगा. आपको लगता नहीं है कि हमें खुराक को सिंपल कर लेना चाहिए? सिंपल खुराक में हमें वो चांसेस कम होंगे, जिसे कहते हैं ना कि नुकसान कम होगा और खदशा कम हो जाएगा. बिल्कुल ऐसी बात है. और सिंपल के साथ साथ ना एक चीज़ होती है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का तसव्वुर आप इस तरह से करें कि एक जो सीसा होता है या जो तराजू होता है उसको आपने बैलेंस करना. तो आप मीठा भी खा सकते हैं, आप फैट्स एनिमल फैट वाली चीज़ें भी खा सकते हैं जैसे घी मक्खन वगैरह, ये चीज़ें मलाई वगैरह ये भी खा सकते हैं, लेकिन आपने उसको बैलेंस रखना है. ये नहीं है कि आप मतलब जर्दे की या चावलों की प्लेट है तो वो इतनी बड़ी प्लेट है और भरी हुई आप वो खा रहे हैं आप. हाँ, आप उसका पोर्शन बनाएं. आप उसका मतलब आधा कप, एक कप चावल लिया आपने, दो तीन बोटियाँ रखी, आधा प्लेट सैलड डाला, सलाद डाला, उसको फिर मतलब आपने दही वगैरह के, तो वो आपकी बैलेंस्ड डाइट होगी. वेट गिराना जो है वो बड़ा जरूरी होता है. तो क्या लगता है कि एक बंदा जो है नॉर्मली किलो जैसे सवा ने अगर वेट गिराना हो तो कितने अरसे में ये गिरा पाएंगी? अगर इनको हम कहें कि विदाउट वर्दिश, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट इनको जिम जाए आए, इन्होंने कहना है जी मैं, मेरे पास टाइम नहीं है वर्जिश के लिए, हालांकि इनको मालूम नहीं है कि कितना ज़रूरी है अपने लिए घंटा निकालना. बट फरमाइएगा इस हवाले से कि कितना ज़रूरी हो जाता है कि और कैसे पॉसिबल है कि हम वेट गिराएं और जल्दी गिराएं? अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि अब तो ये पाकिस्तानियों के ना जेनेटिक में आ गई, जेनेटिक्स में ये चीज़ आ गई है कि उनका जो एब्डोमिनल फैट होता है ना, मतलब पेट के इर्द गिर्द जो फैट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है. तो ये तो एक चीज़ है जो हमें कम करने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ ये कि आपको बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा ये है कि आप मतलब बॉडी इमेज इशूज़ में ना पड़ें, अपने आप को वक्त दें. हर जिस्म मुख्तलिफ होता है, आपका जिस्म मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करें. ये नहीं कि एक चीज़, एक डाइट आपने क्रेजी सी डाइट देख ली, सात दिन आपने भूखा रहना है या सिर्फ अंडे खाने या सिर्फ कोई एक वाटरमेलन खाना है सात दिन के लिए, और एक बंदे के लिए वर्क करी है वो आपके लिए भी वर्क करेगी. इस तरह की जो फैट डाइट्स होती हैं, क्रैश डाइट्स होती हैं, वो आपको ले जाती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की तरफ. यानी कि मतलब आपके जिस्म के अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं, कमियाँ होती हैं, और आपको पता नहीं लगता, और जब आप वो डाइट ख़त्म कर लेते हैं तो आगे 10-15 छः सात महीने बाद आपको पता चलता है कि हो क्या रहा था.
आप हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं, डॉक्टर्स टेस्टिंग कराते हैं। और एक और चीज़ में ना कि जो आपका जिस्म है वो आपका जिस्म है ना, सादा लफ्ज़ों में समझिएगा, तो आप अगर पिज्जे खाते रहे हैं या आप अगर रात को सोते हुए भी खाते रहे हैं, आप दिन में भी खाते रहे हैं, ये आप ज़्यादा इवेंट पे जाते हैं, ज़्यादा खाते हैं या दही भल्ले के आप शौकीन हैं, तो वो फिर आपके जिस्म के ऊपर लग रहा है। तो जो दूसरे भाई साहब हैं या दूसरा बंदा है जिसने किया, उसकी ज़िंदगी हो सकता है आपसे ज़्यादा टफ हो, लेकिन आपका जो है ना वो स्ट्रक्चर अलग ही होगा। आखिरी सवाल, फिर मैंने सबा गुल साहबा की तरफ जाना है। फीमेल्स जो ही बच्चे पैदा करने की तरफ जाती हैं तो वो समझती हैं कि हमारी ज़िंदगी का मिशन ख़त्म हो गया, अब जो है ना वो हम जो है वो मोटी हो जाएं, आंटियां बन जाएं, कुछ भी हो जाए, तो फिर वो बच्चों की भी तरबियत नहीं कर पाती, इतना एक्टिव भी नहीं हो पाती, किचन से लेकर कोई भी काम वो नहीं कर पाती। ये जो बेसिकली मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि बच्चे पैदा करने के बाद जो औरत है या लड़की है उसकी असल इनिंग वो शुरू होती है, अब उसके ऊपर इम्तिहान है कि वो अपने आप को फिटनेस करे। ये जो बेहंगम जो है ना फैल जाती हैं, इसको कैसे हम जो है वो रोक सकते हैं, या उसको क्या कुछ ऐसी आप टिप्स देना चाहेंगे कि वो घरों में बैठ के योगा करें, क्या ऐसा करें कि वो स्मार्ट रहें? एक तो पहली ये चीज़ ना कि ये चीज़ माओं से शुरू होती है, माओं को अपनी बेटियों को ट्रेन करना चाहिए कि आपके जब एक बार आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो खातून हाना होते हैं, उसने सिर्फ किचन नहीं चलाना होता, उसने पूरे जनरेशन की तरबियत करनी होती है, तो उसकी जनरेशन की तरबियत करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि उसको कोई मेंटल इलनेस ना हो, उसको कोई फिजिकल मतलब इलनेसेस में वो ना पड़े, क्योंकि वो आगे से फिर बच्चों को क्या देगी। तो एक तो ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है फीमेल्स को घरों में कि आपकी अपनी सेहत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका बच्चा कुछ खाना नहीं खा लेना, अपने लिए वक्त निकाल के प्रॉपर नाश्ता करें, अंडा वगैरह खाएं, दूध मतलब प्रॉपर नाश्ता करें। रात को बच्चे सो गए हैं तो बगैर खाए, मुझे पता है थकान बहुत ज्यादा होती है। शादी से 3 महीने पहले आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी थी ना कि ये चीजों का ख्याल रखना है, मैंने नूर की तरह नजर आना है, तो अभी भी आपने नूर और जहूर की तरह नजर आना है। और इसमें ये भी चीज होती है कि उनके हस्बैंड को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हस्बैंड बेचारे मिल के अपनी फिटनेस का ख्याल रखें क्योंकि बच्चों को उनकी जरूरत है। आपका शुक्रिया। मुद्दे की बात पे आते हैं और मुद्दा यह है कि पिछले दिनों एक ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बिल आया, उसमें भी कहा गया कि दोबारा से वही इम्प्लीमेंट होगा, तो आपसे मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या ये फैसला ठीक हुआ या गलत हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसला कोई भी हो उसे सोच समझ के फैसला करना चाहिए। एक तरफ शरीयत है, दूसरी तरफ हमारा वो कानून है, वो कानून जो कानून हमें हमारी ज़िंदगी को संवारने वाला था। अगर शरीयत की तरफ देखा जाए तो बच्ची जब बालक होती है तो उसको कहा जाता है इसकी फ़ौरन शादी कर देनी चाहिए, कानून कहता है 18 साल के बाद उसकी शादी होनी चाहिए। मैं उस तरीके से इस कानून को सपोर्ट कर रही हूँ जिसमें मैं कहती हूँ यानी कि हमारी इस आलूदगी से, इस गंदगी से, अजियत से जो हमारे माथे पे हमारी नाजरीन 22 करोड़ आवाम ने एक दब्बा लगा दिया था, उसको हम धुलना चाहते थे, यानी कि हम एक स्किल की तरफ, एक नौकरियों की तरफ, और सबसे बड़ी बात है यानी कि हम तालीम की तरफ हैं। सारे रुकन, सारे हकूक जो है हमारे जो छीने जा रहे हैं, मैं बहुत अफसरदा हूँ इस चीज़ में, जिसमें अकेली मैं फाइट कर रही हूँ सन 2012 से, जब मुझे उम्मीद की किरणें नज़र आईं और मुझे अपनी थकावट दूर करने का वक्त आया, यानी कि मैं इन बच्चों को बैगिंग से रोक पाऊंगी, मैं इन बच्चों को जिस्म बेचने से रोक पाऊंगी, मैं इन बच्चों को मस्जिद और मदरसे की तरफ और स्कूल की तरफ ले आऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस तमाम जगह पे जारी होती हैं, फेसबुक पे भी हर जगह पे आप वो देखें, यानी कि सबको अच्छे और बुरे को एक जगह में नहीं रखना चाहिए, मगर इन चीज़ों की इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। क्या लोग जो कहते हैं यानी कि हम इस कानून के ख़िलाफ़ हैं, उन लोगों से इंक्वायरियाँ की गई हैं, वो किस किस क्राइम में मद्दू हैं, उनसे पूछा गया है यानी कि आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं चाहती यानी कि वो चीज़ें मैं रोज़ टीवी के हवाले से पूरी दुनिया को वो चीज़ बताऊं क्या है वो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ एक इंसानियत का जुमला जो हर इंसान को उसको प्रमोट करना चाहिए। क्यों नहीं इस माशरे ने, इन मजहबी लोगों ने हमें मस्जिद का रास्ता दिखाया? क्यों नहीं हमें स्कूल के अंदर दाखिले दिलाए? क्यों नहीं हमें अपने बराबर की सीट में बिठाने से इनकार क्यों किया? अगर शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है, फिर शरीयत ये भी इजाज़त नहीं देती यानी कि एक मर्द
शादी करके फिर दूसरी औरत की तरफ क्यों जाता है? एक औरत शादी करके बच्चे पैदा करके टॉपिक कहीं और तरफ चला जाएगा। आप लोगों का गिला शिकवा रहता था कि थाने के अंदर आप लोगों को प्रॉपर उस तरह हकूक नहीं मिलते जिस तरह मिलने चाहिए। प्रेसिडेंट हैं आप, बहुत सारी शिकायत आपके पास भी आती होंगी। अब वो सारा मसला हल हो गया, अब सुना है कि आपकी थाने में भी सुनी जाती है, पर्चे भी दर्ज होते हैं, या अभी तक भी वैसा सिलसिला है? ये हमारी आफिर थी, ये हम अपनी जो हम किरदार जिस किरदार के अंदर थे, जो मेहनत हमने की, वो मेहनत हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्लेट में सजा कर दिखाई, यानी कि ये हम कर दिखाते हैं। मैं तो कहती हूँ आईजी पंजाब जो है ना वो एक फरिश्ता है। मैं ये नहीं टीवी पे बैठकर, मैं उनको ग्रुप में भी, मैं हर जगह पे उनकी तारीफ कर रही होती हूँ, यानी कि इस वजह से, यानी कि वो आईजी पंजाब जो है वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें, मेरी सोच से भी ज़्यादा। मेरी दवाएं, मेरे जिस्म की और मेरी पूरी कम्युनिटी की दवाएं जो है ना, एक लू लू उनके लिए दवा करता है। ऐसा आईजी पंजाब जैसा है और ऐसे बहुत सारे अल्लाह फरिश्ते इस पूरी दुनिया में पैदा करें। अच्छा सबा सबा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं एजुकेट के हवाले से, चाइना की हम बात करते हैं कि बहुत बड़ी वो डेमोक्रेसी भी है वहाँ पे, जो है वो बड़ा सिलसिला अच्छा जारी और सारी है, ख्वाजा सरा वहाँ पे भी मौजूद है और उनके लिए अलहदा फैक्ट्रीज बनाई गई हैं जिसमें मुशक्ती काम भी ख्वाजा सरा कर लेते हैं। आप ज़रा फरमाइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि क्या ख्वाजा सरा मुशक्ती काम कर सकते हैं या इनको बड़ा एक जिसे कहते हैं नॉर्मल काम देना चाहिए, ये वेट नहीं उठा सकते, ये ज़्यादा मेहनती नहीं होते? पहली बात तो ये है, यानी कि मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। एक हफ्ता नहीं हुआ, कुछ वक्त गुजरा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे एक स्कूल दिया है जिसमें मेरे ट्रांसजेंडर ख्वाजा जी, बिल्कुल उसकी मैं मुबारकबाद भी आपको देता चलूँ, और आपने बहुत बड़ी एफर्ट की उस हवाले से, और मेरा आज आपको बुलाने का मकसद भी उस स्कूल के हवाले से ही था कि चले इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर दारुलहुकूमत के अंदर अगर आपका ये स्कूल बना है तो यकीनन इससे पॉजिटिव मैसेज आएगा जी। और सी ओ साहब ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और गवर्नमेंट के कागजों में मेरा नाम दर्ज किया जी, और वहाँ 12 क्लासें पढ़ी जाएंगी, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे ख्वाजा सराव को टाइम दिया जाएगा उनकी तालीम के लिए, और 10,000 रुपया यानी कि उनकी फंडिंग का भी ऐलान उन्होंने किया है जो देंगे, और यूनिफॉर्म, किताबें, ये तमाम चीज़ें उनको मैसर की जाएंगी, और टीचर भी हमारे ट्रांस से लगेंगे वहाँ। और ये चीज़ अगर मैं देखती हूँ, मैं इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारे मजहबी लोग मुझे काट के रखेंगे, दुनिया से अलग कर देंगे, कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए, हमें वो मौका दें, यानी कि वो बात आप कर रहे थे यानी कि इतना वजनी काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? पहले सबसे पहले अगर कोई रेत बजरी का काम करवाते हैं 10वें फ्लोर पे, कहते हैं ये इतनी इट्टे चढ़ानी है, इतनी रेत चढ़ानी, इतनी बजरी, मैं चढ़ूँगी क्योंकि अल्लाह ने मुझे हाथ नहीं दिए, अल्लाह ने मुझे पाँव नहीं दिए, मेरे वजूद के अंदर वो वीकनेस तमाम मौजूद हैं जो मैं एक मर्द एक औरत की तरह वो कर सकती हूँ। यही जो चीज़ मैं चाहती हूँ, हमें इस गंदगी से बाहर निकालना, इस 22 करोड़ आवाम, और मैं बार बार टारगेट करूँगी इस मजहबी जमात को, उनकी जिम्मेदारी। अच्छा मजहबी जमात का आपका इख्तलाफ क्या सामने आता है? करीम आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ख्वाजा सरा थे, करीम आका ने उनको बुलाया और कहा कि जुम्मे वाले दिन तुम आ जाया करो, मस्जिद के बाहर खड़े हुआ करो, यहाँ से अपनी भीख लो, ज़कात लो, यहाँ से लोग तुम्हारी मदद किया करेंगे, और लेकर अपने घर में इतना राशन ज़रूर डाल दिया करो कि एक हफ़्ता तुम आसानी से गुजार सको। और फिर यही सिलसिला जारी और सारी रहा, उनको अलहदा कम्यूनिटी दी गई, उनको हक़ दिए गए, और लोग जाके वहाँ पर किसी किस्म का कोई उसकी इन्वॉलमेंट ही नहीं थी, किसी भी गैर शरी काम नहीं होता था। फरमाइएगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ दिए आप लोगों को, शरीयत ने दिए, शरीयत मुतायरा ने दिए, तो फिर हम या आजकल के उलमा इकराम कौन होते हैं इस तरह का फतवा जारी करने वाले? और एक और नाज़रीन को मैं बात यहाँ पे करता चलूँ कि हमारे यहाँ अगर आपके यहाँ कोई बच्चा बच्ची आपकी पैदा हो जाए जिसकी आंखें वीक हैं, तो आपका इसमें क्या कमाल है या आपकी इसमें क्या आपका इसमें क्या कसूर है? अगर आपका बेटा काला पैदा हो जाए आपका इसमें क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने उसको टांग नहीं दी तो इसमें आपका क्या कसूर है? अगर आपके बेटे को अल्लाह ने हर क्वालिटी से माला माल कर दिया इसमें आपका क्या कमाल है? तो अगर ख्वाजा सरा किसी के घर में पैदा हो गया है तो उस बेचारे का क्या कसूर है और ख्वाजा सरा खुद का क्या कसूर है? और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी के साथ अच्छा बेटा अच्छी बेटी है तो उसमें उसका क्या कमाल है? वो इन अल्लाह ला कुल्ले शैन कदीर तो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो जिसको चाहे जैसे
ایسے نواز دے اور یہ بھی بہترین لوگ ہیں, کمال کے لوگ ہیں یہ. میں سبا گوش صاحبہ کے حوالے سے یہ بات کرتا چلوں کہ میری کوشش ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں پروگرام کروں منتھ میں ایک لازمی کر لوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شی از ون آف دوز پیپل کہ جنہوں نے تقریباً ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کا باعث بنی. اور روزگار کیسے, یہ کہتے ہیں نا کہ جب پورا کمرے کے اندر اندھیرا ہو تو دور سے اگر ایک وائٹ چھوٹا سا جگنو بھی نظر آئے نا, وہ بھی آپ کو دور سے پورے کمرے کے اندر وہ ایک امید کی کرن ہوتا ہے. انہوں نے چوڑیوں کے ٹھیلے لگا کے دیے, مہندیوں کے ٹھیلے لگا کے دیے, گارمنٹس کی دکانیں بنا کر دیں اپنے خواجہ سراؤں کو, اور ان کو آ کے لے کر آنے کے لیے آج دیکھیں بہترین احمد دارالحکومت کے اندر انہوں نے اسکول کا افتتاح کر دیا. فرمائیے گا اس حوالے سے میں جو یہ سارا میں نے مدعا دیا کہ تو آپ کا نیکسٹ مشن کیا ہے, اور آپ کچھ اس طرح کیوں نہیں کرتی کہ یہ مالی مدد جو ہے آپ کو نہ کرنی پڑے اور ان سارے لوگوں کو کھڑا کیا جا سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے یہ کہوں گی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا آج دن تک ان مذہبی لوگوں نے وہ کیوں نہیں آگے لے کر آئے, اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. جہاں خواجہ سرا, ٹرانسجینڈر, کھنسا, مہنس, سات کا ٹکریوں میں ان کا نام پکارا گیا اور اصل نام تھا ان کا آغا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جو ہوتے ہیں وہاں بھی اس نام سے پکارا جاتا ہے آغا جی. مغل اعظم کے دور میں بھی ان کو کہا گیا تھا آغا جی. خواجہ سرا بھی بڑا بہترین لفظ ہے اگر اس کا مطلب یہ خواجہ سرا اور یہ گرو, یہ ہمارے غیر مسلم جو انڈیا ہے انڈیا کا لقب تھا ان کے اندر جو یہ سرا کا مطلب گھر ہوتا ہے. لیکن میں نے جو پڑھا وہ اس میں یہ پڑھا کہ خواجہ سرا بہترین اکاؤنٹنٹ بھی ثابت ہوئے مغلیہ دور کے اندر. مغلیہ دور انہوں نے ان کو خزانچی بنایا گیا سامنے لاتے. جی جی جی. اس میں 19 اور 20 کا فرق نہیں سمجھا, جاڑو اور انسان کا فرق انہوں نے برابر کر کے رکھ دیا. میرا پھر بھی سوال وہیں جاتا ہے تمام ان لوگوں کی انکوائریاں, اگر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اصل ہیں وہ دوسرے نقلی ہیں, پھر پانچ رکنی بورڈ کیوں نہیں بیٹھا ان کی؟ بورڈ بیٹھتا تو پھر میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی, ٹھنڈ پڑ جاتی, یعنی کہ وہیں دنیا کے سامنے پتہ چل جاتا اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. جنہوں نے اپنی زندگیاں خواجہ سرا بلادری کے لیے غفت کر دی ہیں, جنہوں نے شادیاں نہیں کی, جنہوں نے بچے نہیں پیدا کیے, جنہوں نے آپریٹ نہیں کروائے, تو وہ لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مگر وہ شیطان آگے ہیں جنہوں نے بچے بھی پیدا کر دیے, جنہوں نے آپریٹ پہ کر دیا. یہ ایک مطلب ہم کسی اور ٹاپک کی طرف جائیں گے, میں نہیں چاہتا کہ ہم کرٹیسزم کا سامنا کرنے پڑے. ہمیں وہ گفتگو کرنی چاہیے جس سے چار لوگوں کا فائدہ ہو جائے. مجھے بتائیے گا جو خواجہ سرا آپ کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں ان کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ میں یہ کہوں گی شکر الحمدللہ میرے پاک پروردگار کی غار کے ذات کا اتنا میں جتنا شکر ادا کروں وہ میرے لیے کم ہے. 134,000 جو ٹرانسجینڈر ہیں جن کو میں نے آزادی دلائی, 134,000 ہاں آزادی دلائی, وہ خواجہ سرا وہ ٹرانس جو ہیں یعنی کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بکہ شانہ, ایک لمبا زنجیر ہے میرے پاس اور میں ایک ہی تربیت دیتی ہوں, یعنی کہ بیٹا آپ نے غلط کام کوئی نہیں کرنا. میں آپ کو جتنی میری حسب توفیق ہوگی میں آپ کو کچھ بھی کر کے دوں, آپ نے اتنی پیسوں سے اپنا روزگار بنانا ہے, پھر آگے آپ نے دوسرے کو فالو کرنا ہے, حق حلال کمانے کا, حق حلال کمانے کا, یعنی کہ یقین جانے میں آج اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف قسم اٹھا کر کہتی ہوں اتنے یعنی کہ بے بس لوگوں کے کہتے ہیں ہم بھیک نہیں مانگنا چاہتے, ہمیں روزگار چاہیے. انسان ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایگو پڑی ہے. ہاں جی ناظرین بکار میرا ٹاپک ہوتا ہے جی ہسٹری, اور ہسٹری کی جانب ہم دوبارہ آج پڑھیں گے اور یقیناً آپ سے آخر میں میں میسج بھی دونوں حضرات سے لوں گا. آج جو میں جس شخصیت کو ڈسکس کرنے والا ہوں جی 1954 کے اندر وہ پیدا ہوئے. میری پہلی جو پرسنالٹی آج میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں جو زندہ ہیں حیات ہیں اس ٹائم دنیا کے اندر موجود ہیں, اور یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کن کے حوالے سے آج ڈسکس کرنے والا ہوں. 1954 جی, ایک غریب گھرانہ جس میں ان کا باپ جو ہے وہ کام کرتا تھا کس چیز کا جی, کہ کشتی دریا کے کنارے پہ کھڑی ہوتی تھی اور ان کے باپ کا کام تھا کہ کشتی کو ڈرائیو کرنا, کیپٹن تھے وہ کشتی کے اور لوگوں کو باہر لے کر آنا, اور مدرسے کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی. آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں جی طیب اردگان کو, اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ یہ ترکیہ کے اس ٹائم صدر دوبارہ سے بن گئے ہیں, تیسری بار صدر بنے ہیں, تین بار وزیر اعظم رہے ہیں, اور تقریباً
30 साल की इनकी हकूमत, मैंने कहीं ना कहीं इक्तदार में ये रहे हैं और प्रैक्टिकली तकरीबन 23 साल हो गए इनके इक्तदार को। आज हम तैयब अर्दोगान के हवाले से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा बच्चा जो मदरसे की तालीम हासिल करता था, उस दौर में मैसेज का दौर नहीं था, व्हाट्सएप का दौर नहीं था, तो खतूत का दौर था। तैयब अर्दोगान को उनके वालिद साहब लीरा जिसे हम कहते हैं, वो उनकी करेंसी का नाम है, तुर्किया की करेंसी का नाम लीरा है, तो लीरा जो है वो उसके वालिद साहब उसको दे दिया करते थे, 2 लीरा 3 लीरा। अगर मैं उस दौर का कंपेरिज़न करूँ तो उस दौर में तकरीबन 2 लीरे का $1 बनता था, इतनी रकम होती थी। तो वो उस लीरे से बिज़नेस किया करते थे। अब बिज़नेस क्या करते थे कि वो खतूत जो थे ख़त ख़रीद लिया करते थे और मुख्तलिफ़ जगह जा कर वो ख़त बेच दिया करते थे और इससे थोड़ा सा मुनाफा कमाया करते थे। और थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर आप जहाँ पे, क्योंकि तुर्किया में गर्मी भी शदीद किस्म की होती है, तो जहाँ जहाँ स्टॉप थे वहाँ पे जाके आप जो नींबू पानी होता है ये बेचा करते थे। और इस तरह आप बड़े होते थे, 13 साल की उम्र तक आपने नींबू पानी बेचा। फिर थोड़े से और बड़े हुए तो एक साइकिल होती है नाज़िमकार, यकीनन आप लोगों ने देखी है कि इंडियन मूवीज़ के अंदर हम देखते हैं, उस साइकिल के पीछे 2 शख्स बैठते हैं और एक उसको साइकिल को चलाने वाला होता है जो अपने ज़ोर से उस साइकिल को चलाता है। तो तैयब अर्दोगान जो है वो तकरीबन 16 साल की उम्र में वो साइकिल भी चलाते रहे हैं। तालीम हासिल की आपने एक मदरसे के अंदर, उस मदरसे की अगर हिस्ट्री बताई जाए तो वो ये है कि वो एक इस्लामी मदरसा था, और इस्लामी मदरसा इस लिहाज से वो था कि उसके अंदर तकरीबन, क्योंकि उस दौर का जो तुर्की है वो एक लिबरल तुर्की था, और ऐसा लिबरल तुर्की के जिसके अंदर जो है वो मज़हब की वैल्यू कम थी। सल्तनत उस्मानिया के बाद अक़वामे मुत्तहिदा की ये कोशिश थी कि तुर्किया को एक तो बांट दिया जाए, जो जिसमें वो कामयाब हुए, और दूसरा उनसे उनकी सकाफत, उनका मज़हब ले लिया जाए। उनकी सकाफत से मुराद ये कि इस्लामी इक़्तदार जो थे, इस्लामी 110 जो हमारे तबरकात थे, जो चीज़ें थी वो सारी ले ली जाएं। उसके अलावा उनकी ये कोशिश थी कि इस्लाम जो है वो तुर्किया के अंदर से ख़त्म कर दिया जाए। सल्तनत उस्मानिया की बात हम करेंगे तो कहीं और तरफ चली जाएगी, लेकिन अर्तगुल ड्रामा जो आपने देखा वो सारा सल्तनत उस्मानिया पे बेस है। अर्तगुल गाजी, उनके बेटे उस्मान, और ये वो सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से मालूम है, और कोशिश करेंगे किसी और सब्जेक्ट में हम आपको बताएँ भी। लेकिन आज का जो हमारा जो है वो सिनेरियो वो तैयब अर्दोगान की तरफ घूमेगा। थोड़ा सा ये और बड़े हुए तो इन्होंने प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स के अंदर शुरू कर दी अपनी जो है वो खिदमात देना। जो पहली मरतबा इन्होंने पार्टी ज्वाइन की उसका नाम था डेवलपमेंट पार्टी, तरक्की के नाम से ये पार्टी बनी थी, और आपने 1981 के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स स्टार्ट की, और तकरीबन पहली मरतबा 1994 के अंदर आप मेयर मुंतखब हुए इस्तांबुल के। अच्छा, इन 10 सालों में आपकी जो स्ट्रगल थी वो बड़ी अजीब व गरीब थी। आपको दोस्त बहुत कुछ कहा करते थे कि आप इस तरह करें और अपने आप को इस तरह ठहराएं, इस तरह करें, इस तरह ठहराएं, लेकिन जो था आपके अंदर कहीं ना कहीं आंसर इस्लामी पॉइंट से ज़्यादा पाया जाता था, और लोग जो तुर्किया के थे वो लिबरलिज़म को ज़्यादा पसंद करते थे। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको लिबरलिज़म की ये दूँगा कि 1998 के अंदर जब पहली मर्तबा एक खातून ने मेंबर पार्लियामेंट असेंबली बनी और उसने हिजाब के अंदर आई और अपना हलफनामा लेने की कोशिश की, तो उसको तुर्किया के अंदर से निकाल दिया गया, और ये कहकर निकाला गया कि ये हमारे इक्तदार असूलों आइन के खिलाफ है। यानी कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर आप हिजाब लेकर नहीं चल सकते थे, आप मदारस में नहीं ज्वाइन कर सकते थे, आप मिलिट्री का हिस्सा नहीं हो सकते थे, आप इवन के जर्नलिस्ट भी थे तो लड़कियों के लिए ज़रूरी था कि उनके खुले बाल नज़र आएँ, उनका बोल्ड जो है बातों के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, कपड़ों के लिहाज से तुर्किया के अंदर ये बहुत ज़रूरी हो चुका था। लेकिन इस दौर में भी तैयब अर्दोगान हल्का फुल्का, जिसे कहते हैं आप, इस्लामी टच देते हुए पहली मरतबा इस्तांबुल के 1994 के अंदर पहली मरतबा मेयर मुंतखब हुए। नाज़ुकार, ये वो वक्त था जब टोटल जो है इस्तांबुल की सड़कें, कहा जाता है कि 64 से 65 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर था, लेकिन उसके अंदर ये जो प्लाजे थे, बड़ी बड़ी इमारात थी वो नज़र नहीं आती थी, जो सड़कें थीं वो खड्डों की मानद थीं, उनके अंदर पानी जमा हुआ होता था, बिजली अक्सर व बेशतर बंद रहती थी, पूरा शहर जो है वो अंधेरे में डूब जाता था। बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे थे जिनका हल लगता था कि ये सदियों तक मुमकिन नहीं है।
लोग ज़्यादातर ग़ुलामी की सोच रखते थे, और ग़ुलामी की सोच इस लिहाज से भी थी कि लोगों को ज़्यादातर अमेरिका की तरफ देखते थे, क्योंकि ये जो सारा नई जनरेशन परवान चढ़ रही थी ये लिबरलिज्म वाली ही थी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन वाली थी, ये लिविंग रिलेशन वाली थी, ये म्यूज़िक पार्टीज़ वाली थी, ये नाइट क्लबों वाली थी, इनका दूर दूर तक इस्लाम से ताल्लुक नहीं था। मैं पहले बता चुका कि सल्तनत उस्मानिया के बाद ये कोशिश की गई थी कि तुर्किया के अंदर कुछ भी इस तरह का ना किया जाए कि उसकी जो है इस्लाम की तरफ उनको लाया जाए। अच्छा, थोड़ा सा आगे हम अगर चलेंगे तो इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी वाजह होती जाएंगी कि तुर्किया के अंदर और क्या सिलसिला जारी व सारी था। एक बात आपको सुनकर हैरानी की होगी कि 1994 के अंदर जब मेयर बने पहली मरतबा तैयब उर्दगान, 1998 तक उन्होंने ऐसा कमाल किया कि 4 साल के अंदर महज तकरीबन 1000+ बिल्डिंग की तामीर मुकम्मल कर ली गई, सड़कें साफ़ सुथरी कर दी गई, हर तरफ जो है वो डस्टबिन रख दिए गए, तुर्किया के अंदर बबल्स चिंगम नीचे ज़मीन पे फेंकने से लेकर लेज का यानी कि कोई भी पापड़ का रैपर फेंकने तक कानून बंद बना दिए गए। वो सिर्फ इस्तांबुल की हद तक ही लोगों के ऊपर अमल दरामद करते थे, और ये सिलसिला जारी व सारी हो गया और लोग तैयब उर्दगान की तरफ पहली मरतबा देखना शुरू हो गए। लेकिन जिस पार्टी से वो मेयर मुंतखब हुए थे वो इस कदर बड़ी पार्टी न थी, और उन्होंने पहली मरतबा 1999 के अंदर अपनी पार्टी अनाउंस की, और उस पार्टी का नाम था जी डेवलपमेंट एंड जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, यानी कि कानून की हुक्मरानी और तरक्की के हवाले से उन्होंने कहा कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी अपनी पार्टी का नाम रखा, और महज 2 साल के अंदर उनकी पार्टी पहली मरतबा इक्तदार में आई और वो पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्किया बन गए। अब जब प्राइम मिनिस्टर वो बने तो उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें थीं, और उन्होंने सबसे पहले मैं अगर जोड़ता जाऊंगा, क्योंकि तैयब उर्दगान एक इतना बड़ा बाब है, इतनी बड़ी एक हिस्ट्री है कि मैं फ़कत मेरे पास अगर 25-30 मिनट हो तो मैं इसको कवर नहीं कर सकता। हर क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल की थी उनको। सबसे मेन क्वालिटी उस टाइम दौर भी ऐसा था कि रूस और अमेरिका ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे और ब्लॉक बन चुके थे, जैसे कि हमें भी अक्सर व बेशतर लोग जो है वो कभी अमेरिका ब्लॉक में तसव्वुर करते हैं या कभी हमें रूस के ब्लॉक में यानी चाइना के ब्लॉक में तसव्वुर करते हैं, लेकिन ये कमाल की हिकमत अमली जो है तैयब उर्दगान को जो है अल्लाह तबारक व ताला ने दी है कि वज़ीर ख़ारजा के जो उमूर होते हैं वो उन्होंने कमाल के संभाले। कैसे संभाले इसकी एक मिसाल देखिएगा कि जो प्यूटन है इस टाइम रूस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे कमाल का जराना है सैयद तैयब उर्दगान का, उसके साथ कमाल की अमेरिका के साथ भी एकमत अमली बनाए हुए हैं। ये सिलसिला आगे जारी उसारी रहेगा, और 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने जी तैयब उर्दगान, 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद 3री मरतबा तकरीबन आज से मतलब 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले यानी कि 27 मई को वो एक मरतबा फिर 3री मरतबा सदर बन चुके हैं जी तुर्किया के अंदर। अब मैं इस मुकाबले की तरफ आऊँगा कि 53% आलमोस्ट वोट लिया है जी तैयब उर्दगान ने, और 46.2% वोट लिया है जी आलमोस्ट उनके जो मुखालिफ हैं उन्होंने। अब आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि तैयब उर्दगान ने जो 52% वोट लिया है उसमें जो है वो उनकी एक अकलौती पार्टी शामिल है, लेकिन जिसने 47% वोट लिया है उसमें तकरीबन 6 पार्टियां शामिल थीं। 6 पार्टियां शामिल का इलहाक जो है वो 47% वोट उनका एक उम्मीदवार था और उन्होंने 47% वोट लिया। अब आपको 2 चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा। पहली चीज़ ये कि जो तैयब उर्दगान हैं वो अलामत हैं इस्लामी निज़ाम की, उनको फॉलोअर वही लोग हैं कि जो इस्लाम की जो है हुक्मरानी चाहते हैं, इस्लाम को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जो मगरिब के अगेंस्ट हैं। जैसे कि आप ज़रा गौर से सुनिएगा तो आपको समझ आएगा, तैयब उर्दगान वो वाइस शख्स हैं जो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान से ज़्यादा बोलते हैं, तैयब उर्दगान वो वाइस शख्स हैं जो फ़लस्तीन के ऊपर तमाम मुसलमानों से ज़्यादा बोलते हैं, तैयब उर्दगान वो वाइस शख्स हैं जो करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जब भी बात आए तो सबसे ज़्यादा खुल के सामने आते हैं। वो वाइद हैं जिन्होंने फ़्रांस के सफ़ीर को सबसे पहले मुल्क बदर किया और फिर दोबारा उन्होंने ले आए, लेकिन करीम आका के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी हुई या उनके अगेंस्ट जाके जो हाके बनाए गए उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को जो है कंडम किया, और हर जगह वो एक ही बात करते हैं और वो इस्लाम की जो है वो बात करते हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार और है, उनका एक डिफरेंट वे है। वो एक मौलवी के तला अलार्म नहीं बजाते 24 घंटे के मैं दीन का पैरोकार हूँ, लेकिन उनकी अमल से बहुत बार लगा कि वो कमाल के रिप्रजेंटेटिव हैं। अब आपको एक मिसाल देता चलूँ, एक हमारे यहाँ पिक्चर नज़र आ रही है नरेंद्र
नरेंद्र मोदी की और तैयब उर्दगान की, इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो चुका था और एग्रीमेंट की ये तकरीबन 2013 के अंदर हुआ। 2013 के अंदर एक बड़ा एग्रीमेंट जिसके अंदर तकरीबन 300 कंपनियां जो इंडिया की थी वो तुर्किया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी और तुर्किया की तकरीबन 13-14 कंपनियाँ जो है बड़ी कंपनियाँ वो जाके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जिसमें प्लाजे थे, जिसमें डिवेलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें थी वो बनाने का अमल हुआ। 2013 के अंदर एक वाकया ऐसा हो गया कि कश्मीर के ऊपर मजालिम ढाए गए और तैयब उर्दगान ने बिला झिझक होके ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। तैयब उर्दगान ने बगैर सोचे समझे, शायद सोच के किया हो, लेकिन ये एग्रीमेंट इसको कह के कैंसिल कर दिया कि जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म करेगा तो मैं उस कौम के साथ ना किसी एग्रीमेंट का मुतमिल हो सकता हूँ और ना मैं किसी चीज़ का जो है वो मैं उनके साथ आगे लेकर चल सकता हूँ। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इंडिया के अंदर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को उस तरह विलन नहीं माना जाता जिस तरह इंडिया के अंदर तैयब उर्दगान को विलन माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये अगेंस्ट इंडिया के, हालांकि उसकी सिर्फ एक वजह है और वजह यह है कि तैयब उर्दगान का कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होना है। अब थोड़ा सा आगे चलिएगा, आजकल की सूरत हाल क्या है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करके हम फिर तैयब उर्दगान की ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। आजकल की सूरत हाल यह है कि ये जो 6 पार्टियाँ इकतदार में थी इन्होंने 47% वोट लिया और तैयब उर्दगान ने 52% वोट लिया। अब ज़रा यह सुनिएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि टर्न आउट 90% रहा, यानी कि वो मुल्क जिसमें 90% तक लोगों ने अपने इजहार राय का ख्याल किया, 90% लोगों ने, नाज़रीन बेकार, मेरे ख्याल में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में 50% से या 52% से अबव लोग वोट ही नहीं डालते, लेकिन जो ये जो 8 करोड़ का मुल्क है तुर्किया, इसमें तकरीबन 90% टर्न आउट रहा और लोगों ने अपना जो हक था वो इस्तेमाल किया और उसमें 52% की चॉइस तैयब उर्दगान थे। अब थोड़ा सा आगे चलिएगा कि ये क्या सिस्टम हो रहा है। नाज़िम कार, तैयब उर्दगान जिस शख्स को मानते हैं वो 1960 से लेकर 1970 के अंदर बादशाह रहा, उसका नाम था अदनान मुसवरी। अदनान मुसवरी के बारे में आपको ज़रा सुन के हैरानी होगी कि जिसको तैयब उर्दगान अपना लीडर मानते थे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस्लाम की रूह शामिल थी, लेकिन क्योंकि वो दौर नया नया लिबरल था तो अदनान मुसवरी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। अमेरिका सही घुस के बैठा हुआ था तुर्किया के अंदर, उसके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और अदनान मुसवरी को उस तरह काम मुसलमानों के हवाले से नहीं करने दिया जा रहा था, मुसलमानों के वाज बनने नहीं दिया जा रहा था जिस तरह आज तैयब उर्दगान बन रहे हैं। अब आपको ये मैं एक बात बताता चलूँ, आपको सुन के ये हैरानगी भी होगी कि अमेरिका तकरीबन पहले दौर के बाद कभी भी नहीं ये चाहता था कि तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म बने, सदर बने या इस दुनिया के अंदर रहे। अब आपको एक और सुन के बात हैरानगी होगी कि अमेरिकन लोबी तुर्किया के अंदर बाकायदा काम करती हैं तैयब उर्दगान को ख़त्म करने के लिए। जी हाँ, अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मगरिब को जितनी बार लान तान का सामना करना पड़ता है किसी भी अरब लीडर की तरफ से तो वो सिर्फ तैयब उर्दगान हैं। बाकी सारे जिसमें आप शहजादा जो है, जितने भी सऊदी अरेबिया के ये जो बादशाह आए हैं शाह फैसल से लेकर आज तक जितने भी लोग आए हैं वो हमेशा अमेरिका के साथ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन तैयब उर्दगान वाहिद थे जो नेटो के मेम्बर होने के साथ साथ अपने जो मन में बात हो वो करते हैं। जैसा कि इंडोनेशिया और मलेशिया का एक वाक्य पिछले दिनों है, बल्कि आप आसानियों में ये समझिएगा कि यूक्रेन और जो रूस की लड़ाई है वो आपको मालूम है कि कितनी सख्त पिछले दिनों से अभी तक चल रही है और शायद ये जो डॉलर अदम इस्तेकाम है इसकी कहीं ना कहीं वजह रूस और यूक्रेन की लड़ाई है। अब इधर तैयब उर्दगान ने कमाल किया, यूक्रेन को अपने साथ मिलाने के लिए और अमेरिका को खुश करने के लिए यूक्रेन को जो है वो हथियारों की जो है तरसील कर रहा है इस टाइम तुर्किया, लेकिन अभी तक यराना जो है सदर तैयब उर्दगान का वो प्यूटन के साथ बड़ा ख़ास किस्म का है। इसकी आप मिसाल लें कि कैसे ख़ास किस्म का है। 28 मई यानी आज से 4-5-6 दिन पहले जब सैयद तैयब उर्दगान पहली मर्तबा सदर बने तुर्किया के अंदर तो सबसे पहले किसी शख्स ने ट्वीट किया तो वो प्यूटन ने ट्वीट किया। अगर हम आपको ट्वीट दिखा सकें तो उसके अंदर प्यूटन ने लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त तैयब उर्दगान, तुम्हें तुम्हारी एक मर्तबा फिर सदारत बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन तुम तुर्किया के लिए एक वाहिद उम्मीद हो और तुम एक दिलेर, निडर और तुर्किया के तरक्की का निशान हो। ये अल्फाज थे प्यूटन के। अब आपको सुन के हैरानगी होगी कि ये क्या कमाल है कि यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं कि तुम रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो और रूस के साथ यराना ये है कि उसको जो है वो
मतलब क्या है ये तैयब उर्दगान की पर्सनैलिटी के अंदर करिश्मा कि वो चेक एंड बैलेंस बड़ा अच्छे से किए हुए हैं। अब मैं जल्दी से आऊँगा कि मगरिब क्यों नहीं चाहता कि तैयब उर्दगान जो है वो सदर रहे, इसका छोटा सा मैं आपको आंसर ये देता चलूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा कम है कि रूस और तैयब उर्दगान की जो सरहद है तुर्किया की, आपको यकीनन मालूम है कि इसकी सरहदें अमेरिका के एक शहर के साथ मिलती हैं, और ये जो छोटा सा अमेरिका का ये जो जजीरा टाइप है जिसके अंदर ट्रैवल करके या छोटी सी कश्ती इस्तेमाल करके यहाँ से तुर्किया के अंदर लोग आसानी से दाखिल हो सकते हैं अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर, तो इसको तैयब उर्दगान अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि तैयब उर्दगान को जब कोई फेवर चाहिए हो तो ये वो बॉर्डर ओपन कर देते हैं और वहाँ पर जो पनागजीन है करीब वो फौरन से बॉर्डर पार करना शुरू हो जाते हैं, और इससे अमेरिका ना खुश है कि आज तक तैयब उर्दगान 30 साल दौर में हर वो काम किया जो उनका दिल चाहा, लेकिन इसके ऊपर वो कानून क्यों नहीं बनाते। दूसरी बहुत सारी इस तरह की वजूहात हैं जिसके अंदर तैयब उर्दगान को जो है वो काफ़ी जो है मगरिब की तरफ से, जैसे मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करना वगैरह 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 शामिल है, तो तैयब उर्दगान को इस वजह से बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता है। मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन कल हम तैयब उर्दगान की तरफ दोबारा आएंगे और हम ये जानेंगे कि तैयब उर्दगान को आजकल के दौर में किन मुश्किलात का सामना है, क्या ये जो 54% वोट है दैट इज़ इनफ फॉर तैयब उर्दगान, या उनको अपनी फॉलोअर और बढ़ाने चाहिए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज तुर्किया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जो कल इनकी रस्म होनी है जी सदरे की हलफ उठाने की तैयब उर्दगान की, उसमें उन्होंने तमाम मुस्लिम उम्मा के अलावा अपने तमाम पूरी दुनिया के जो दोस्त जा रहे हैं जो उनके 30-35 साल इस दौरे हुकूमत में बने उन सबको बुलाया है, तो कल डिस्कस दोबारा करेंगे। सब अगू साहब शॉर्ट सा मैसेज और अनी साहब से भी शॉर्ट सा मैसेज मैं चाहूँगा, आप अपने हवाले से दे दें, आप अपने हवाले से दे दें। जी मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको पता है हज़रत ईसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से बातें किया करते थे, लाडले थे, कोई भी सवाल करते थे अल्लाह ताला से। तो एक बार उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अगर आपका कोई खुदा होता तो आप उससे क्या मांगते, तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि मैं उससे सेहत मांगता। तो इस बात से हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि सेहत इंसान की ज़िंदगी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको प्रायोरिटी बनाना चाहिए। बस मेरा यही मैसेज है। क्या फरमाएंगे जी आप? बड़ा शॉर्ट सा मैसेज क्योंकि टाइम बड़े कम है मेरे पास। मेरा मैसेज ये है यानी कि तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं भी ख्वाजा अफसरा बलादरी के लोग मिलते हैं, आपने एक स्किल की तरफ, एक बिजनेस कारोबार की तरफ, प्लीज़ मेरे साथ मिलें और मेरी मदद करें ताकि हम इन लोगों से बैगिंग छुड़ाएं। और दूसरा यानी कि हमारे बहुत ज़्यादा अजीज चाहने वाले जिन्होंने ये रास्ता दिखाया और वो ओकाड़ा हॉस्पिटल में काशी नाम है, आज उनकी बर्थडे थी, मैं उनको भी साथ विश करती हूँ इसी टीवी के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़मीन वालों पे तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम पे फजल करम मेहरबानी फरमाए, बशर्ते ज़िंदगी कल दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के माना।